आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है जानकारी मैटर्स। तो यहाँ पे एक वैकेंसी की बात आई है पेपर में, जो कि आई है झारखंड से। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और जानते हैं डिटेल से। झारखंड में उर्दू के 7,232 सहायक आचार्यों के पदों पर होगी नियुक्ति। रांची, झारखंड में उर्दू के 7,232 सहायक आचार्यों की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को 7,232 पद सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इनमें प्राइमरी स्कूल के लिए 5,478 और मिडिल स्कूल के लिए 1,754 पद शामिल है। राज्य में पहले प्राइमरी स्कूलों में उर्दू के सहायक शिक्षकों के लिए 4,401 पद स्वीकृत थे। इनमें 689 पदों पर नियुक्ति हुई थी, जबकि 3,712 पद खाली थे। अब नए पद सृजन में खाली पड़े 3,712 पदों को भी जोड़ दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य के सभी जिलों के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के हिसाब से 7,981 सहायक आचार्यों की जरूरत बताई थी। इनमें प्राइमरी स्कूल के लिए 6,167 और मिडिल स्कूलों के लिए 1,754 पद हैं। चूँकि प्राइमरी स्कूलों में इंटर प्रशिक्षित 6,89 उर्दू सहायक शिक्षक कार्यरत हैं, इसलिए प्राइमरी स्कूली के लिए 5,478 और मिडिल स्कूलों के लिए 1,754 सहायक आचार्यों के पद सृजित किए गए। गौरतलब है कि राज्य के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में सहायक आचार्य के कुल 50,000 पद सृजित किए गए हैं। सहायक आचार्यों का वेतनमान इंटर प्रशिक्षित के लिए 7वें वेतनमान के लेवल 4 और स्नातक प्रशिक्षित के लिए लेवल 5 निर्धारित है। इसी हिसाब से उर्दू शिक्षकों के लिए भी वेतनमान निर्धारित किया गया है। सीएम बोले, झारखंड की भावना और युवाओं की योग्यता व क्षमता के अनुरूप बना रहे योजना, इसका लाभ उठाएं। तो ये वैकेंसी एक आई है झारखंड से उर्दू के 7,232 सहायक आचार्यों के पोस्ट के लिए। तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इधर ये भी दिया हुआ, इधर अपैरल इंडस्ट्रीज़ में 2,500 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।